अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अरिका जो है कितना मज़े का तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई है, अल्लाह की रहमत होना शुरू हो गई है और आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा अरिका। अरिका जो है ये अरबिक नाश्ता है और बड़ा ही मज़े का बनता है, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा अरबी नाश्ता यानी कि अरिका बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। पैन में डालेंगे एक कप दूध, एक कप चीनी। ये अरिका के लिए कंडेंस मिल्क जो है तैयार करना है। बस आप इसे चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कंडेंस मिल्क जो है हो गया तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे दो कप जो है आटा ले लिया, गंदम का आटा, गेहूं का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 3 खाने के चम्मच जो है मक्खन डाला है। मक्खन को थोड़ा गर्म कर लिया था। आप इसमें मक्खन की जगह पे डालडा घी, देसी घी और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटा ऐसे ही गूंदना जैसे हम घर पे रोटी का आटा गूंदते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आटा जो है अच्छी तरह गूंद चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो थोड़ा सा मक्खन है ये ऊपर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को ऊपर से कवर कर देंगे और 10 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी बना लेंगे और पेड़ा थोड़ा बड़ा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पेड़े को थोड़ा मोटा रख के भेजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारी माएँ जो हैं वो चूरी बनाने के लिए मोटी रोटी बेलती थीं और बाद में उसे देसी घी में गूंथती थीं, वैसी ही रोटी बनानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी हो गई है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह घर में जितने अफराद हैं, कोई एक रोटी खाता है तो उसके लिए एक, अगर कोई दो रोटियां खाता है तो उसके लिए दो रोटियां उतनी बना लेनी हैं जितने अफराद हैं उनके हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी भी हो गई है तैयार। और अब रोटी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटे छोटे टुकड़े करके चॉपर में डाल देंगे। और अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आपने चूरी बना लेनी है रोटी की, और जो खजूरे हैं उनको बारीक बारीक काट लेना है छुरी से और मिक्स कर लेना है। तो मशीन में 2 रोटियां डाली हैं, 1 रोटी में 5 खजूरें जाएंगी, टोटल ये 10 खजूरें हैं। बिस्मिल्लाह। और चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसी तरह सारी रोटियां जितनी आपने बनानी है चॉप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर डालेंगे मलाई क्रीम यानी के आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, और पूरी एक लेयर जो है वो ऊपर बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऊपर डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डालेंगे कॉर्न फ्लेक्स। काजू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा शहद डालेंगे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अरीका जो है कितना मज़े का तैयार हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जिंदाबाद मोशर यार, मजा ही आ गई जी जान भाई, जबरदस्त माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मजेदार। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रीका जो है बहुत मजे का तैयार हुआ है, आपने एक दफा जरूर ट्राई करना है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशरती को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।